छठ का त्योहार नजदीक है, ऐसे में दिल्ली सरकार ने छठ पूजा पर रोक लगा दी है कि वो जो नदियों के अंदर उगते सूरज को अर्घ्य देते थे उस पर किसी भी तरह लोग ना जा सके। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक जी हैं। दुर्गेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी। और मैं सर, बस क्यों रोक लगा? थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। इसमें दिल्ली सरकार रोक नहीं लगाती है। दिल्ली के अंदर डीएमए एक होता है, जो एक तरीके से पेंडेमिक के समय जो कमेटी डिसीजन लेती है सारे, और उसके हेड हैं एलजी साहब। और जो गृह मंत्रालय से, मतलब जो अमित शाह जी गाइडलाइन देते हैं, जो केंद्र सरकार गाइडलाइन देती है कि रेस्टोरेंट ओपन करने हैं, फिर केंद्र सरकार गाइडलाइन देती है कि थिएटर करने हैं, ओपन करने हैं, फिर केंद्र सरकार गाइडलाइन देती है कि आपको मार्केट्स ओपन करने हैं, रेस्टोरेंट्स ओपन करने हैं। फिर जब केंद्र सरकार की जैसी गाइडलाइन आती है, उसके आधार पर फिर राज्य डिसीजन लेते हैं। दुर्भाग्य ये रहा है कि केंद्र सरकार ने कोविड के समय में छठ पूजा करने से मना किया है। उनका लॉजिक ये है कि चूंकि पानी के माध्यम से ये बहुत तेजी से फैलता है, और चूंकि छठ का जो त्योहार होता है वो पानी के अंदर मनाया जाता है, उसके अंदर लोग अर्घ देते हैं सुबह सूरज भगवान को, तो ऐसे में उन्होंने मना किया है। अब बीजेपी का जो एक बेशर्मी ये है कि वो एक तरफ तो अमित शाह ने मना किया है, दूसरी तरफ वो हमसे कह रहे हैं कि हम नहीं करने दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी या तो कंफ्यूज है या तो राजनीति कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि छठ जैसे पर्व पे जब हम सरकार में आए थे, तब उस समय 35 जगहों पे पूरी दिल्ली के अंदर सरकार छठ मनाती थी। आज हजारों जगह पे सरकार छठ मनाती है। आज आप पंडाल में जाके देखिए, आपको 5 स्टार पंडाल मिलेंगे, बेहतरीन पंडाल मिलते हैं, जहाँ पे लोग ये पूजा करने वाले जो रात भर रुकते हैं। तो हम लोग तो मैं खुद उत्तर प्रदेश बिहार से आता हूँ, और हम लोग यहाँ पे रोजगार के लिए आए हैं, कोई पढ़ने आया है, और फिर भी हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़े हैं। और हमारे लिए तो केजरीवाल साहब ने इतना काम किया है, इतनी जबरदस्त सुविधाएं दी हैं इस छठ के मौसम पे, छठ के पर्व के ऊपर। और मैं बीजेपी से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस मुद्दे पे राजनीति ना करें। और आपके तो अमित शाह हैं, आपके गृह मंत्री हैं, आपके पार्टी के हैं, आदेश गुप्ता जी फोन करें, उनसे क्लियरेंस लेके आए कि आप छठ मना सकते हो। आम आदमी पार्टी इस बात की गारंटी देती है कि दिल्ली के अंदर हम छठ मनाने की पूरी कोशिश, जो भी तैयारी है सारी चीजें करेंगे। क्योंकि जो ऑर्डर थे उस पे चीफ सेक्रेटरी के आदेश थे, और जो चीफ सेक्रेटरी है वो केजरीवाल साहब के अंडर में ही आते हैं, इसलिए शायद ये कंफ्यूजन है। या तो नहीं, कंफ्यूजन कोई नहीं है। कंफ्यूजन देखिए, जब सेंटर गाइडलाइन ही नहीं देगा तो चीफ सेक्रेटरी कौन होते हैं कुछ कहने वाले? सेंटर को गाइडलाइन दे रहा है ना भाई। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं करोगे, तो चीफ सेक्रेटरी ये थोड़ी कह देगा कि मैं करूंगा। समझो बात को भाई। अमित शाह का गृह मंत्री है अमित शाह जी कहेंगे कि भाई नहीं करना है, चीफ सेक्रेटरी थोड़ी कह देगा कि करना है। समझो बात को ना। तो चीफ सेक्रेटरी भी लिख के देगा, उसके नीचे मैं का समझ डीएम रहा भी हूं, लिख के जो देगा। जनता है उसे समझाने की कोशिश कीजिए। हाँ, तो इसी बहाने कि भाई चीफ सेक्रेटरी भी कहेगा कि नहीं हो सकता, डीएम भी कहेगा नहीं हो सकता, एसडीएम भी कहेगा नहीं हो सकता, तहसीलदार भी कहेगा नहीं हो सकता, एसएचओ भी कहेगा नहीं हो सकता, बीट वाला ऑफिसर भी कहेगा नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर नहीं है उनके पास। अच्छा दुर्गेश जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इसी मुद्दे को लेकर, आपने कुछ आरोप भी लगाए थे बीजेपी पर, क्या आपके आरोप थे वो? नहीं, कोई आरोप नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमें कह रही है कि हम नहीं करने दे रहे हैं। बस हम एक ही लाइन कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि छठी मैया का हर उत्तर प्रदेश और बिहार के, इवन पूरे देश के लोग बहुत इज्जत करते हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं, और उनके आशीर्वाद से जो कुछ है हम लोग सारे के सारे। आज आज दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के कारण ही अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चल रही है। इसलिए हमने उत्तर प्रदेश और बिहार के छठ पर्व के लिए बहुत काम किया है, बहुत मेहनत किया है, ठीक है, हजारों घाट बनाए, हजारों तरह की फैसिलिटी की। छठ के ऊपर छुट्टी नहीं होती थी दिल्ली के अंदर, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने छुट्टी घोषित किया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ कि आप इसमें राजनीति मत करो। आप अमित शाह जी से एक लाइन लिखवा के दे दो कि छठ पूरी तरह से मनाने की आजादी है, मना सकते हैं। आम आदमी पार्टी इस बात की गारंटी देती है कि दिल्ली के अंदर सभी जगहों पर छठ मनाया जाएगा।
दुर्गेश जी, बीजेपी का एक आरोप आप पर यह भी है कि ईद के समय में किसी तरह का जो है पाबंदियां नहीं लगाई जाती, लेकिन जैसे ही दूसरे त्योहार आते हैं पाबंदियां लगाई जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है सेंटर के अंदर, ठीक है, हम तो उनकी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। वो जैसा गाइडलाइन देते हैं, वो गाइडलाइन देते हैं कि ईद मनाओ तो हम ईद की गाइडलाइन देते हैं। वो कहते हैं दशहरा मनाओ तो हम दशहरा की गाइडलाइन देते हैं। वो कहते हैं मार्केट खोलो तो मार्केट की गाइडलाइन देते हैं। वो कहते हैं रेस्टोरेंट खोलो तो रेस्टोरेंट की गाइडलाइन देते हैं। वो कहते हैं कि बस चला सकते हो तो बस चलाने की गारंटी देते हैं। वो कहते हैं मेट्रो चला सकते हो तो मेट्रो चलाने की गाइडलाइन देते हैं। वो कहते हैं छठ नहीं मना सकते तो हमको भी मजबूरी में बताना पड़ता है भाई। तो भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे ना, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? उनकी गाइडलाइन पता नहीं, वो तो आप तो मीडिया के व्यक्ति हो, आप उनसे पूछो कि भाई गाइडलाइन तो सेंटर देती है ना, सेंटर की गाइडलाइन पर राज्य फंक्शन करते हैं पेंडेमिक के समय में। तो जवाब आप गाइडलाइन दी है कि नहीं मना सकते तो राज्य सरकार कैसे मना सकती है? और मैं तो सिंपल, अभी भी छठ में कुछ दिनों का समय है, अभी अमित शाह जी आधे घंटे के अंदर लिख के दे दे कि भाई छठ मनाया जाए, हम छठ मनाएंगे, बात खत्म। इसमें तो सिंपल सी बात है, उनको गाइडलाइन इश्यू करने में क्या दिक्कत आ रही है? एक और सवाल मेरा आपसे है कि जो बीजेपी के कई नेता है उनसे बातचीत हुई कि छठ नहीं मननी है, तो उनका कहना था जो पूर्वांचली है उनकी एक बड़ी संख्या जो है दिल्ली के अंदर रहती है, और अगर सरकार चाहती तो गाइडलाइंस बना के अगर एक छठ पे केवल 50 लोग जा सके एक घाट पर, तो ये भी इंतजाम करे जा सकते थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी वालों को समझ में नहीं आ रहा या समझना नहीं चाह रहे वो। गाइडलाइन केंद्र सरकार इश्यू करती है, गाइडलाइन राज्य सरकार नहीं बनाती। पेंडेमिक के समय में राज्य सरकार ये गाइडलाइन नहीं बना सकती कि वो बस खोले, मेट्रो खोले कि ना खोले। केंद्र सरकार गाइडलाइन बना दे, राज्य सरकार उसे ये कह सकती है कि भाई हम इसे फॉलो करेंगे या फॉलो पूरी तरह से नहीं करेंगे, ये तो राज्य सरकार कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार अपने से गाइडलाइन नहीं बना सकती। तो केंद्र सरकार अगर ये गाइडलाइन देती है हमारे को कि आप छठ मना सकते हैं तो हम फिर हम पे छोड़ दे फिर हम मनाएंगे, वो बोले तो अमित शाह जी लिख के दे। दुर्गेश जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ये फिर कंफ्यूजन जो है जनता कंफ्यूज हो रही है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से आप पर आरोप लगा रही है, जनता को लगता है कि शायद केजरीवाल जी जो है वो मनाने नहीं दे रहे, तो ये कंफ्यूजन का दौर है। आप एक बार जो दर्शक हमें आपके मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उन्हें स्थिति क्लियर करिए, क्या बीजेपी नेता कंफ्यूज हैं या जनता भी कंफ्यूज होती जा रही है, ये मेरा आखिरी सवाल है। इसमें मीडिया का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। मीडिया ये देखे कि भाई सेंट्रल ने कोई गाइडलाइन छठ मनाने के लिए इशू की या नहीं की, आपको पता चल जाएगा कि जो गाइडलाइन उनकी तरफ से मनाही है, तो जब मनाही है तो राज्य सरकार नहीं कर सकती। भाई जब मोदी जी आए थे, मोदी जी ने कहा कि एक महीने तक लॉकडाउन रहेगा, तो क्या कोई राज्य सरकार ये कह सकता था कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे इम्प्लीमेंट? आप मुझे बताओ, किसी राज्य सरकार ने कहा था कि हम राज्य सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे? राज्य सरकार ने ये जरूर कहा था कि एक महीने के बाद 15 दिन हम और करेंगे लॉकडाउन, 10 दिन हम और करेंगे लॉकडाउन, लेकिन किसी राज्य सरकार ने ये नहीं कहा था कि वो लॉकडाउन नहीं करेंगे। अगर आज केंद्र सरकार ये कहती है कि आप छठ नहीं मना सकते, आप पानी में डुबकी नहीं लगा सकते, आप पानी में उतर नहीं सकते, आप अर्घ देने के लिए घाट पे इकट्ठा नहीं हो सकते, तो केंद्र सरकार अगर कह रही है तो राज्य सरकार को फॉलो करना पड़ेगा। अगर अमित शाह जी क्या डिपार्टमेंट अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि आप छठ नहीं मना सकते तो आप नहीं मना सकते, राज्य सरकार अपने हिसाब से गाइडलाइन नहीं बना सकती। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और बताया कि आखिर क्या वजह है कि जो छठ का महापर्व है जिसमें पूर्वांचलों की एक बड़ी संख्या दिल्ली में रहती है कि वो क्यों घाटों पर नहीं जा सकते, और ये स्थिति क्लियर आपने की कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसका दिल्ली सरकार फॉलो कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश पाठक जी। थैंक यू तरुण जी, थैंक यू।